घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, इसे देखते हुए कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए केस आए हैं। वहीं 2,767 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 18 से 45 साल के लोगों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं होगी परमिशन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फिर से लोगों का मसीहा बनेंगे सोनू सूद, लॉन्च की है ये सर्विस, बेड, दवाएं और ऑक्सीजन मिलना होगा आसान। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब आप सालाना 6,000 की जगह ले सकेंगे 36,000 रुपए का फायदा। दिल्ली में कोरोना से हालात खराब, शमशान में कम पड़ी जगह, पार्क में होगा अंतिम संस्कार। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 10 लोगों की मौजूदगी में करेंगे शादी तो पुलिस अधीक्षक अपने बंगले पर देंगे डिनर, दूल्हा और दुल्हन को मिलेगा सम्मान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश के इन प्रमुख शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने के बदले घट रहे हैं, क्या राहत के हैं ये संकेत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अस्थायी अस्पताल में तब्दील हुए 4,000 कोच, एक साथ 64,000 कोरोना मरीजों का होगा इलाज, 4 राज्यों में होंगे ये तैनात। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में मिले 12,359 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 77 लोगों की मौत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के आगे बेबस केजरीवाल, दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया लॉकडाउन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना संकट में भारत की सहायता न करने पर घिरे अमेरिका ने मदद के लिए किया बड़ा ऐलान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में सभी लोगों को फ्री मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भोपाल, जबलपुर, देवास, खंडवा सहित इन जिलों में बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में कोरोना का कहर, जयपुर में 3,260 संक्रमित। साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब अंतिम संस्कार होगा मुफ्त। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शाकाहारी और स्मोक करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम, CSIR की स्टडी में खुलासा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा है बेड तो निजी में कराएं इलाज, सरकार देगी खर्च। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सरकार ने सोशल मीडिया से 100 से ज्यादा पोस्ट हटवाई, कोरोना पर दी जा रही थी झूठी जानकारियां। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, प्रभावित राज्यों में पहुंचे 10 टैंकर, 9 अभी रास्ते में। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन का डर, फिर घर की तरफ चल पड़े हैं मजदूर, यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाले ट्रेनों का है बुरा हाल। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में भारी किल्लत के बीच लखनऊ में लूट लिया गया ऑक्सीजन टैंकर, बोकारो से जा रहा था MP। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ऑक्सीजन का संकट अभी भी बरकरार, दिल्ली के 2 अस्पतालों में मरीजों की सांसें अटकी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अंबानी समेत देश के बड़े उद्योगपतियों को CM केजरीवाल की चिट्ठी, ऑक्सीजन पर मांगी है मदद। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश के हर जिले में अब बनेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, PM केयर से मिलेगा इसका फंड। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 208 की मौत, 35,614 नए संक्रमित। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेमडेसिविर की बढ़ रही है कालाबाजारी, मध्य प्रदेश में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अभी अनलॉक नहीं हो पाएगा छत्तीसगढ़, बढ़ा दिया गया है 5 मई तक लॉकडाउन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड में 18 से 45 साल के लोगों को नहीं लग पाएगी वैक्सीन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गुरुग्राम के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गौतम गंभीर के फाउंडेशन से दिल्ली वालों को मिलेगी फेविफ्लू और ऑक्सीजन, अक्षय कुमार ने दिए हैं 1 करोड़ रुपए दान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि PM नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा कि सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अब लगेगी फ्री में वैक्सीन। सीएम गहलोत बोले 3,000 करोड़ का आएगा खर्चा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश की इस्पात इकाइयों ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए खोल दिए हैं द्वार, 2,834 टन की सप्लाई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गरजे नड्डा, बोले कि लोग कमल खिलाने को तैयार, दीदी से चाहते हैं मुक्ति। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में मिले 15,809 नए मामले, जबकि केरल में 28,469 लोग संक्रमित। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले कि पहले लॉकडाउन नहीं संभाल पाए और अब ऑक्सीजन बेड नहीं संभाल पा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 85% कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में रिकॉर्ड 1,310 नए कोरोना मरीज, जबकि गुरुग्राम में धारा 144 लागू। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार के पटना स्टेशन पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही, चकमा देकर निकल रहे हैं यात्री। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में 61,450 नए केस, जबकि 832 लोगों की गई जान। वहीं उत्तराखंड में 4,368 नए मामले, जबकि 44 लोगों की मौत। जबकि गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,296 नए मामले, 157 लोगों की मौत। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोलकाता में कोरोना का विस्फोट, RT-PCR टेस्ट में हर दूसरा व्यक्ति मिल रहा है संक्रमित। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि संसद के सभी प्रशासनिक कर्मियों को घर से ही काम करने के निर्देश। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान अपनी जिद पर अड़े, नहीं लगवा रहे वैक्सीन, रोजाना 100 लोग ले रहे हैं दवा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि निजी वैक्सीन सेंटरों को लौटाने होंगे बचे हुए डोज, केंद्र सरकार ने राज्य को दिए हैं नए दिशा निर्देश। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोने में फिर से आया उछाल, अब 47,744 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं सोने के भाव। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से लड़ाई में साथ आया यूके, 600 से ज्यादा इक्विपमेंट्स भारत भेजे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में आज कोरोना के 22,933 नए केस, पर 350 लोगों की मौत। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जल्द खत्म होगी किल्लत, सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है भारत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई में लगातार तीसरे दिन घटे हैं कोरोना के नए मरीज, रिकवरी रेट भी बढ़ा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भोपाल में 3 मई तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, शिवराज बोले अभी लंबी लड़ाई बाकी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए होगा, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हिमाचल के 4 जिलों में 27 से रात्रि कर्फ्यू, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 26 और 27 को दरभंगा, सीतामढ़ी, दानापुर के लिए दिल्ली और मुंबई से चलेंगी ट्रेनें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 3 हफ्ते बाद मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में आ गई है कमी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। इसी तरीके की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।